तो हेलो गाइस, आज मैं एसएससीएन नयन आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ और आपको रीजंस और टिप्स और ट्रिक्स दूंगा और रीजंस दूंगा कि हम लोग इंडिया क्यों नहीं जीत पाया एशिया का जो टूर्नामेंट हुआ था सबसे बड़ा वाला अभी, तो उसमें टीएसजीआर में और जीजे किंग्स जीत क्यों नहीं पाए। तो उनको तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं उस लेवल पे खेला नहीं हूँ और उस लेवल पे मुझे भी हक नहीं बनता कि किसी को कुछ बोले। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो। और उस लेवल पे भाई आप लोग नहीं खेले हो तो आप लोग नहीं बोल सकते हो कि कैसा माहौल होगा और कैसा नहीं। तो मुझे जितना उन्होंने बताया, मतलब जस से बात हुई मेरी और बहुत लोगों से बात हुई, जो आईजीएल भाई हमारे पॉट्स भाई के सारे वीडियोस वगैरह देखे, जो बंदे वीडियो बना रहे हैं नेगेटिव वीडियोस, तो उसके पीछे का रीजन जान लो भाई आप लोग कि वो लोग क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, आपने उस लेवल पे नहीं खेला हो, अगर उनके लेवल पे, अगर उनके जगह पे अगर आप होते और आपको अगर ऐसा वीडियो बना रहे होते आपके अपोजिशन में, तो कितना बुरा लगता। तो उन्होंने मेहनत भी की थी भाई, बहुत मेहनत की थी, बहुत एक्सपेक्टेशन थी हमें भी उनसे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैं आप लोगों को छोटा सा, मेरे को तो हक नहीं बनता ऐसा कुछ बनाने का, इसलिए मैं बोल नहीं सकता किसी को, लेकिन बताऊंगा भाई कि आप लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है कि मतलब इंडियन प्लेयर्स में और इंडोनेशियन प्लेयर्स में फर्क क्या है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं फोन ले लिया हाथ में, तो ये आप लोग देख सकते हो इंडियन प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करता हूँ, तो इंडियन प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं, ठीक है, दो फिंगर से या फिर क्लॉ फिंगर से। तो क्लॉ फिंगर से कई कई यहाँ पे फायर वाला बटन है वो यूज करते हैं। तो आप लोगों को मैं गेम स्टार्ट करके बताता हूँ, तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं गेम स्टार्ट करके बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडियन प्लेयर्स किस स्टाइल से खेलते हैं, इस स्टाइल से खेलते हैं, ठीक है, थीके? उनका पकड़ने का तरीका ऐसा होता है मोबाइल, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी उनकी वही थी इंडियन प्लेयर्स की। तो अपने को कुछ पता ही नहीं इस बारे में, क्योंकि आज तक कोई यूट्यूबर ने नहीं बताया हम लोगों को, ना फिर कोई गेम प्ले खेल के बताया फोर फिंगर्स के साथ। तो सारे इंडियन प्लेयर्स ऐसे इस तरीके से खेलते हैं जैसे मैं खेल रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से खेल रहे हैं। और यहाँ पे हेड वगैरह ड्रैग हेडशॉट वगैरह ऐसे ही देते हैं, ये रहा ड्रैग हेडशॉट वगैरह ऐसे ही देते हैं। तो इसी तरीके से दो फिंगर से खेलते हैं भाई, नहीं तो कोई कोई प्लेयर्स तो क्लॉ का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो मैं खुद बोलता हूँ कि मैं दो फिंगर से खेलता हूँ ऐसे, देखो। तो अपने पास जब डिसएडवांटेज क्या होता है पता है, तो आप जब हम लोग अभी टूर्नामेंट खेलने गए, जैसे टीएसजी रितिक या फिर जो भी टीएसजी आर्मी और जीजे किंग्स गए, तो क्या हुआ, उन लोगों को दिया गया एक इंटरनेट का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है और एक ईयरफोन का जो कनेक्टिविटी है, दो ईयरफोन आप समझो इधर चार्जिंग वाले सॉकेट में वो इंटरनेट का कनेक्टिविटी उन लोगों को दे दिया, ठीक है, और उन लोगों को ऐसा सैमसंग का मोबाइल दे दिया हाथ में, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, तो आप हम लोग इंडिया के प्लेयर कैसे खेलते हैं, ऐसे इस तरीके से खेलते हैं हम लोग इस तरीके से। तो हम प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो हमारा ग्रिप है, तो ग्रिप बैठता नहीं है, तो हम लोग ऐसे हाथ में उठा के खेलते हैं, तो वो ग्रिप मिलता नहीं है जो हम लोगों को घर पे बैठ के मिलता है। मतलब क्या होता है, वो मोबाइल तो साइज में भी बड़ा था, ठीक है, ऊपर से अपना मोबाइल का जो हाथ बैठा हुआ है वो चेंज हो गया, चलो ठीक है वो भी हो गया। तो उन्होंने आप बोलो कि कस्टमाइज सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज से वहां से सेटिंग्स चेंज होती है, तो चलो आपने अपने हाथ से भी कर लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग चार्जिंग केबल जब लगा के खेलते हो तब अपने को समझता है कि अपन किस लेवल पे खेल सकते हैं। देखो आप लोगों को ग्रिप नहीं मिल रहा है, तो इंडोनेशिया के प्लेयर कैसे खेलते हैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो आप इंडिया का प्लेयर, ये बात रही इंडिया की प्लेयर्स की, ठीक है, इंडियन प्लेयर्स सारे ये ऐसे ही खेलते हैं, तो इंडोनेशिया के प्लेयर क्या करते हैं, वो लोग कैसे खेले है जो टूर्नामेंट हुआ एशिया का टूर्नामेंट जो हुआ ना, वो लोग कैसे खेले, इस तरीके से खेले वो लोग। अब मैं आप लोगों को खेल के नहीं बता सकता इस तरीके से, क्योंकि मैं भी इंडियन ही हूं और मुझे भी पता नहीं इस तरीके से भी खेलते हैं बंदे करके। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं वो लोग किस तरीके से खेले, इस तरीके से खेले। तो उनके पांच या तीन हाथ या फिर तीन फिंगर्स, वो जितने चाहे उतने फिंगर्स का यूज करके खेल सकते हैं। ये देखो यहां से, देखो यहां से मैं भागा, तो अब मेरा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस हो गया ना, मैं ऐसा खेलता हूँ, ये देखो दो हाथों से, जैसे सारे इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, जो नॉर्मल लोग खेलते हैं वो, जो इंडोनेशिया के प्लेयर्स है या फिर जो भी बाहर के प्लेयर्स है ना, वो नॉर्मल नहीं है भाई, ये देखो ऐसे खेलते हैं वो लोग, पूरा अलग अलग इससे खेलते हैं, देखो पूरा चार बटन, हाथ बटन चारों हाथ यूज करते हैं वो लोग, चारों हाथ यूज करते हैं, चारों हाथों का अच्छे तरीके से यूज करते हैं, चारों बटन यहां से खूदते मारते सारे बटन सारे, मुझे जम नहीं रहा ये खेल, आप लोगों को बता रहा हूं कि वो किस तरीके से खेलते। तो फिर वो उन लोगों को ग्रिप का कुछ सवाल ही नहीं आता, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे बॉट आ गया, एक रुक जाइए एक सेकेंड, तो आप देखिए यहाँ पे,
मैं देखो इतने अच्छे से खेल पा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास ये है, लेकिन मैं यहाँ पे ये अगर हटा देता हूँ तो मैं उससे भी अच्छा, जैसा मैं खेलता हूँ उससे भी अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉर्मल गेम प्ले मेरा यही है ना, देख सकते हो आप लोग। अब वो लोग कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे चारों तरफ से, एक चारों ये खेलेंगे, चारों दिशाओं से मतलब चारों एंगल से वो लोग खेल सकते हैं ऐसे चारों तरफ से। तो उनको ये डेटा केबल का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, तो वही पे तो सीन हो गया अपने बंदों का। अपने बंदे ऐसे खेल रहे थे बेचारे और उनको ग्रिप ही नहीं मिल रहा है ऊपर से, और उनका जो नेचुरल गेम प्ले वो नहीं खेल पा रहे वो लोग जिस वो। तो फिर मेरे ख्याल से भाई वो जो भी खेले है ना और जितना भी रैंक आया है 11-12 वो बहुत अच्छा रैंक आया है भाई, क्योंकि उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना, अपने को एक्सपीरियंस था। अगर आप भी उसके जगह पे होते ना तो आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि अचानक से आप क्या खेलोगे। अगर आप इस तरीके से खेल सकते थे तो आप बोल सकते हो कि मैं प्रो हूँ और मैं ये कर सकता हूँ करके। तो आप देखो मैं वैसे खेल नहीं पा रहा क्योंकि मैं अभी तक खेला ही नहीं हूँ, तो वो इंडोनेशिया के प्लेयर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखिए देखिए ऐसे मतलब इस तरीके से खेलते हैं वो लोग, तो आप लोगों को फर्क तो समझ में आ गया होगा। तो इंडोनेशिया के प्लेयर और इंडिया के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, तो आप लोगों को तो अभी तो समझ में आ ही गया होगा भाई। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक ही ट्रिक ये कर सकता हूँ, आप तो मैं बोल नहीं सकता आपको कि आपका खेलने का तरीका बदला, जो जिस तरीके से खेलता है उसी तरीके से खेलिए। अगर आप टूर्नामेंट लेवल पे जाते हो, उस लेवल पे खेलने जाते हो, कोई भी रहो, अगर मैं रहा फ्यूचर में, तो ऐसा कुछ रिपीट ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई लोग। तो अगर आपको अगर आ गया था मुझे सॉरी, तो ये वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है टिप्स और ट्रिक्स तो 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। बस मेरा एम ये था कि आप लोगों को समझे कि इंडोनेशिया के प्लेयर इतना तगड़ा कैसे खेल गए और इंडिया के प्लेयर्स इतना अच्छा प्लेयर्स जाते हुए भी वो खेल क्यों नहीं पाए। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा भाई फर्क और डिफरेंस इंडिया और इंडोनेशिया, या फिर बाहर के जितने भी प्लेयर्स है वो अलग लेवल से खेल रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग स्नाइपर ले रहे थे, और उनका दूसरा स्ट्रेटेजी क्या था, अपन ने कभी तो बॉन्टी या फिर बॉनफायर के अलावा कुछ यूज ही नहीं किया है इसके अंदर, गेम के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया है, इंडोनेशिया या फिर बाहर वाले, इन्होंने एयर ड्रॉप का यूज किया है। एयर ड्रॉप सबसे खतरनाक चीज है भाई, वो अपने को टूर्नामेंट देखने के बाद समझा भाई। तो एयर ड्रॉप का यूज से क्या होता था, पहले तो उनको कुछ AWM मिलती थी, तीन तीन बंदे चार चार बंदे एयर ड्रॉप गिरा रहे थे, तो उनको तो कवर मिल जा रहा था, प्लस AWM या फिर कुछ तो लॉन्चर वॉन्चर मिल ही जा रहा था एयर ड्रॉप में से। तो बहुत फायदेमंद हो रहा था भाई उन लोगों को वो वाला स्ट्रेटेजी। और अपनी इंडिया के बंदे क्या लेके गए, बाउंटी, और किल ही नहीं कर पाए। किल करना बाउंटी के लिए क्या जरूरी है भाई, किल करना जरूरी है। और एयर ड्रॉप के लिए क्या करना जरूरी है, एयर ड्रॉप के लिए बस आपको सर्वाइव करना है, एक आधा किल भी आ जाएगा, सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के बाद आपको तगड़ा लूट मिलने वाला है, लेवल 4 की वेस्ट, लेवल 5 की वेस्ट। तो वही सीन है भाई, वही सीन है आप लोगों को। तो स्ट्रैटेजीज होती है थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती है। तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा भाई, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्लॉ से कैसे खेले। ये देखो हेड लगा, तो उस ये आप लोग अगर खेल रहे हो तो आप लोग अगर ये चार्जिंग, मेरा बस बोलने का ये है कि चार्जिंग का केबल लगाया करो और फिर प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। अगर आप वैसे खेल लेते हो, जो भी बंदे चार्जिंग केबल लगा के खेल लेते हैं, तो वो बंदों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है भाई ये आगे जाके, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, वो घर पे बैठे के नहीं होते भाई, वो उनके यहाँ पे होते हैं और उनका फोन देते हैं और उनका डेटा केबल वगैरह कनेक्ट करने का ये रहता है। तो आप लोग नहीं खेल पाओगे उस लेवल पे। देखो तो आप अगर ऐसे इस तरीके से ईयरफोन का कॉर्ड, एक चार्जिंग का कॉर्ड, ठीक है, ईयरफोन का कॉर्ड, चार्जिंग का कॉर्ड लगा के अगर आप प्रैक्टिस करते हो गेम को और बहुत अच्छा खेल लेते हो, तो आप, मैं 100% बोलता हूँ कि आप भी उस लेवल का खेल सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका गेम प्ले चेंज करो, इंडोनेशिया के प्लेयर वो उनका लेवल अलग है, लेकिन अब हम लोग उनको भी अच्छा तरीके से मार सकते हैं, उन लोगों को भी हम लोग बीट कर सकते हैं। किस तरीके से बीट कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी ये अपना ड्रैग हेडशॉट है, ठीक है, ये जो अपना ड्रैग हेडशॉट मैंने जो मारा, ठीक है, अभी ये जो ड्रैग हेडशॉट है अपना, वो ही काम आएगा भाई उन प्लेयर्स को ये करने में, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा ड्रैग हेडशॉट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो फोर फिंगर्स का वो कूदेंगे आपके सामने, आपको आपके सामने उनका एंगल बदलेंगे। तो अपने को उनको मारने के लिए क्या करना है, बस ड्रैग हेडशॉट लगाना है। अगर ड्रैग हेडशॉट की अगर आपको ट्रिक पता नहीं है, तो मैंने डाली है ड्रैग हेडशॉट की ट्रिक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सीख लो भाई, आप ड्रैग हेडशॉट सीख लेना, ठीक है। पहले तो ड्रैग हेडशॉट सीख लेना, स्ट्रैटेजी बनाना अपने स्क्वाड की, ठीक है, अपना स्क्वाड भी अच्छा होना चाहिए, और सारा पूरा का पूरा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज से ही प्रैक्टिस कर रहे हो चार्जिंग केबल डेटा केबल लगा के, तो ही आप उस लेवल पे टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो मैं आपको एक पिक बताने जा रहा हूँ वो कैसे होती है डेटा केबल और कैसा वो ईयरफोन कनेक्टेड होते हैं। तो वो इससे थोड़ा मोटा होता है, तो अगर आप एक बार ये डेटा केबल लगा के अगर आप सीख लेते हो कि मतलब चार्जिंग का जो हमारा स्लॉट पे सीख लेते हो ये गेम प्ले,
तो मैं 100% श्योरली बोलता हूँ भाई, आप लोगों को वो उधर उस लेवल पे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो उस लेवल पे आप लोगों को कुछ यही नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही मतलब एक टिप और ट्रिक्स बनाया हूँ ताकि अपने बंदों को समझ में आ जाए कि अपना यहाँ से गलती क्या हो रही है, इंडिया की तरफ से गलती क्या हो रही है, और वो बाहर वाले प्लेयर्स किस लेवल पे खेल रहे। तो हम लोगों को अपना लेवल बदलना नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइम गया भाई, जब हम लोग नूबड़े थे तभी से स्टार्ट करना था ऐसा खेलना, ठीक है। अब अपन प्रो बन चुके हैं तो वो प्रो टिप्स का ही हम लोग यूज कर सकते हैं। बस टेटार केबल लगाओ, थोड़ा सा हार्ड जाएगा भाई लोग, चार्जिंग लगा के खेलो या फिर बिना चार्जिंग के भी, मतलब ऐसे इस तरीके से डेटा केबल ये करो। मैंने अभी चार्जिंग कनेक्टेड नहीं की है क्योंकि मैं ट्राइपॉड पे हूँ, तो इसके वजह से बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा भाई लोग आप लोगों को कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेटा केबल लगा के करो और ड्रैग हेडशॉट पे वर्क करो भाई। ड्रैग हेडशॉट हम लोग इंडोनेशिया के प्लेयर से अच्छा लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा हार्ड जाएगा ड्रैग हेडशॉट ऐसे करने में, हार्ड जाएगा ऐसे हेडशॉट देने में हार्ड जाएगा उनको। हम लोग थंब से बहुत अच्छा लगा सकते हैं ड्रैग हेडशॉट, ये देखिए। तो आप लोगों को लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ड्रैग हेडशॉट अगर नहीं आता है तो आप लोग सीख सकते हो ड्रैग हेडशॉट। और चैनल को जल्दी से भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, जितने भी बंदे देख रहे हो जितने भी बंदे, और वीडियो को लाइक है मैं 1000 लाइक भूलना मत इसका। अगर पार्ट टू चाहिए आप लोगों को, उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे खेल सकते हो फोर फिंगर से। अगर मेरे को कुछ इंडोनेशिया का मेरा एक फ्रेंड है उससे मैं अगर आप लोगों के लिए जुगाड़ करके वीडियो ला सकता हूँ, मतलब इंडोनेशिया, मतलब वो इंडिया नहीं है लेकिन वो इंडोनेशिया में रहता है, तो उससे कुछ जुगाड़ जुगाड़ करके मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो फोर फिंगर वाला, वो लोग कैसे खेलते किस लेवल पे खेलते वो वाला वीडियो अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उस पार्ट टू में वही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी ये वाला पीक देख लीजिए आप लोग, जो डेटा केबल का जो पीक है वो एक और बार देख लीजिए आप लोग, जो ओरिजिनल पीक वो उन लोग TSG आर्मी और JJ किंग्स को दिया गया था और सारे प्लेयर्स को दिया गया था फोन प्लस डेटा केबल कनेक्ट करके, तो वो देख लीजिए आप। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो यहाँ पे भाई लोग आप लोग देख सकते हो किस तरीके से उनको हार्ड गया होगा खेलने के लिए, मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी जब डेटा केबल लगाता हूँ, मेरा भी प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत हार्ड जाता है भाई खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटा केबल किस तरीके से मैंने आपको एरर बता के बताया था, और ऊपर जो है वो नीचे जो है वो डेटा केबल है और ऊपर जो है वो ईयरफोन का केबल है। तो कितना हार्ड होगा हो गया होगा भाई उन लोगों को खेलना, और इंडोनेशिया के प्लेयर्स को कितना आसान हो गया होगा खेलना, तो आप लोग समझ ही पाओगे। तो इसके लिए बस आप लोगों को जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताया है उसी पे प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फोर फिंगर पे खेल पाते हो तो वेल एंड गुड भाई, वो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता भाई। अगर आप लोग नहीं खेल पाते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई। अब इंडोनेशिया के प्लेयर्स बहुत आगे जा रहे हैं अपने इंडोनेशिया, या फिर जो भी बाहर के इंडिया के प्लेयर्स है बहुत आगे जा रहे हैं इंडिया से, तो अपने को भी उनको टक्कर के लिए, अपने पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, तो उनको भी टक्कर देने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही भाई, और जो भी बंदों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग भाई ये कर रहे हैं ना भाई, जो रोस्ट बना रहे हैं या फिर जो भी TSG आर्मी या फिर JJ किंग्स के ऊपर बोल रहे हैं, तो फिर बंद कर दीजिए भाई। आप लोग खेले नहीं हो तो आपको कुछ पता नहीं है भाई उस सिचुएशन पे क्या होता है भाई। तो आप लोगों को अभी समझ गया होगा कि क्या सिचुएशन थी उनके ऊपर, तो आप लोग अभी समझ पाए होगा कि कौन से लेवल पे प्लेयर्स खेल रहे थे उस साइड पे और कैसे खेल रहे थे और क्या स्ट्रैटेजी से खेल रहे थे। हम लोगों ने तो अभी तक सुमन एयरड्रॉप तो अभी तक सोचा भी नहीं था कि सुमन एयरड्रॉप भी यूज़ हो सकते हैं टूर्नामेंट के अंदर, और मतलब कोई भी उनको मारने भी नहीं जा रहा था क्योंकि उनको सब टीम्स को पता था कि मतलब हम लोग वहाँ पे जाए तो ये लोग मार देंगे, क्योंकि सुमन एयर ड्रॉप से बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें निकल रही थी उन लोगों को। अगर आपके पास लूट भी नहीं होना तो थोड़ा सा सर्वाइव करने के बाद सुमन एयर ड्रॉप खुल जाता है, फिर वहाँ पे आपको लेवल 4 का वेज लॉन्चर या फिर AWM निकल ही जाती है सुमन एयर ड्रॉप में से। तीन बंदे अगर गिरा रहे, एक बंदा बॉनफायर या फिर बाउंटी रख रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी है भाई। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है देखने लायक। तो आप लोग पीछे जाके, मैं जो लाइव स्ट्रीम था जो उन्होंने अपने फ्री फायर ऑफिशियल पेज पे, वो अच्छे से देखिए भाई लोग, बस आप लोग देखो मत वो क्या था, वो चीज़ देखो और समझो। तो चलिए इस वीडियो में इतने, बाय, सी यू।